किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू। दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आलू को अच्छी तरह से बॉईल करके ले लिया है और हमें चाहिए लगभग 4 से 5 प्याज और यहाँ पर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं और 2 चम्मच ताज़ा दही। 8 से 10 काजू को मैंने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 5 से 6 हरी मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 4-5 काली मिर्च। ये देखिए लगभग आलू को मैंने 80% बॉईल किया है जिससे दबाने से फूट नहीं रहे हैं। अब हम एक फोक लेंगे और सभी आलू में इस तरीके से छेद कर देंगे, इससे हमारा मसाला आलू में अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब मैं इसमें 1 चम्मच असली घी डाल दूंगी और अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब तक हमारे आलू गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम अपना मसाला पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट करके मिक्सर जार में डाल दिया है। इसमें ही मैं लहसुन की कलियाँ भी डाल दूंगी। अब हम लहसुन प्याज का बारीक पेस्ट बना लेंगे। लहसुन प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम हरी मिर्च, टमाटर का पेस्ट बना लेंगे, अदरक का टुकड़ा भी इसी में डाल देंगे, काजू भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए इधर हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद हमारा तेल बच गया है, इसमें हम थोड़ा तेल और डाल देंगे। अब हम थोड़ा जीरा डाल देंगे, लहसुन प्याज का पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्च और तेज़पत्ता भी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे हमारा मसाला जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया है अब हम इसमें वह भी डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको ढक देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ताज़ा दही ली है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। दही एकदम ताज़ा ही होनी चाहिए, मैंने इसको आज दिन में ही जमाया था। ये देखिए दही डालने के बाद हमारा मसाला अच्छी तरह से पकने लगा है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और सबको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। नमक हमने थोड़ा ही डाला था इसलिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। दम आलू हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इनमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा बटर डाल देंगे। एक बार फिर से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें से तेज पत्ता निकाल दूंगी क्योंकि तेज पत्ते का फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको इस तरीके से बने दम आलू कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।